चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली ये चैप्टर में हमारी जो आई है तो वो एक लेंस है, कैमरा ही है, तो उसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। फिर प्रिज्म के ऊपर, लाइट के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर, ये जो आसमान में जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, सनराइज सनसेट, ये सब फिनोमिनन, तो इस सब के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है, यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। ठीक है, तो लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, तो जो उसकी डायरेक्शन में वो जा रही है उसकी जगह उसका बैंड हो जाना, तो वो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। हाउ कैन दिस आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक, तो ह्यूमन आई की स्टडी में ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो जो हमारी आई है वो भी एक लेंस ही है। ठीक है, हम जो कुछ अराउंड ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो उन सबसे जो लाइट्स आती है तो वो फोकस होती है हमारे आई में और इमेज फॉर्म होती है। द ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अगर लाइट ना हो तो हम कुछ भी देख नहीं सकते। ठीक है, तो लाइट का यूज होता है और हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इट हैज़ अ लेंस इन इट स्ट्रक्चर, तो हमारी आई है तो उसमें बीच में एक लेंस है। ठीक है, वॉट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई, तो उसका फंक्शन क्या है। बेसिकली वो लेंस है वो जिस तरह से हम जो आई ग्लासेस आते हैं तो उसमें जो फिक्स लेंस होता है उस तरह का नहीं होता है। बेसिकली जब उसको नियर के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं और फायर अवे डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं तो उसकी लेंथ की जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती है। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई इस तरह से फंक्शन करती है और हमें क्लियर इमेज फॉर्म करती है। वॉट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई, हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। अगर हमारे विजन में कोई डिफेक्ट है, हम बोलते हैं ना हम आई ग्लास करवाते हैं स्पेक्टेकल्स, तो हमारे नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, यानी कि हम नियर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहे हैं या फिर फेयर अवे डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे, तो उसके लिए फिर हम आई ग्लास करवाते हैं, चश्मे के नंबर करवाते हैं। तो किस तरह से होता है तो उसका भी हमने इस चैप्टर में दिया हुआ है। लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशंस इन दिस चैप्टर। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दिस आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। तो नेचर के कुछ फिनोमिना है जैसे सनराइज और सनसेट है। ठीक है, वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन। तो जैसे हम देखते हैं मानसून में बारिश होती है तो कोई कोई टाइम पे हमें पूरा रेनबो फॉर्म होकर देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो इस तरह से पूरा, ठीक है, टोटल 7 कलर्स होते हैं और वो ऑलवेज एक सीक्वेंस में ही रहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई, तो हमारा स्काई का कलर ब्लू क्यों है उसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे। वाइट लाइट है तो बेसिकली वो 7 लाइट्स का बना हुआ है, जो रेनबो के 7 कलर्स है उसको मिला दो तो वाइट लाइट बनता है और वाइट लाइट को स्प्लिट करो तो 7 कलर बनता है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। तो फर्स्ट लेते हैं 11.1 द ह्यूमन आई। पहले आप ये फिगर देख लीजिए पूरा, तो ये हमारा आई है। ठीक है, तो ये जो बाहर का पोर्शन है वो हमारा विजिबल पोर्शन है। ठीक है, जिसको हम देखते हैं, और ये जो पीछे का पोर्शन है तो वो हमारी आई के बैक साइड में है। ठीक है, तो वो हमें डायरेक्टली नहीं देखता लेकिन वो इस तरह से होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पिपुल्स है, ठीक है, फिर एक लेंस है, ये जो सिलियरी मसल्स है वो क्या करते हैं, यहाँ जो क्रिस्टलाइन लेंस जो ये लिखा है क्रिस्टलाइन लेंस जो आई का लेंस है मेन, जैसे हमारे कैमरा में एक लेंस होता है तो उसी तरह ही हमारे आईज में भी नेचर ने एक लेंस दिया हुआ, जैसे कैमरा में इमेज फॉर्म होता है उसी तरह से फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रेन वर्क करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। तो क्रिस्टलाइन लेंस है और ये सिलियरी मसल्स है, फिर आइरिस है। तो बेसिकली क्या होता है, दूर के और नियर के ऑब्जेक्ट देखने हो तो ये लेंस होता है अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है। ठीक, फोकल लेंथ अगले चैप्टर में आ चुका था। फोकल लेंथ यानी कि ये जो लेंस है वो जिस गोले में से बना होगा तो उसकी रेडियस, ठीक है, तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, उसके आपको फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, तो ये चेंज करता है मतलब बाद में रेटिना है। तो क्या होता है, जो इमेज आती है यहाँ से, ठीक, उसके रेस आते हैं लाइट रेस कोई भी ऑब्जेक्ट के, तो वो फोकस होता है यहाँ पर रेटिना पे, उसका इमेज यहाँ रेटिना पे फॉर्म होता है।
अब जो रेटिना पे जो उसका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, तो जो इन्वर्टेड इमेज है तो वो यहाँ से ऑप्टिक नर्व उसको सेंस करते हैं और वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं और ब्रेन उसको मतलब समझता है और ठीक है। तो इस तरह से वर्क होता है। तो आई इसमें कॉर्निया है, एक्वियस हमर है, प्यूपिल है, आयरिस है, क्रिस्टलाइन लेंस है और ऊपर नीचे सीलियरी मसल्स है, ठीक है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि जो लेंस है वो है, ठीक है। उसके बाद है रेटिना, तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, लेंस इमेज फॉर्म करवाता है, ठीक है। लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है, उससे इमेज पर्टिकुलर रेटिना पे आए, उस तरह से वर्क होता है। और ऑप्टिक नर्व, तो जो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हुई उसके सिग्नल ब्रेन को भेजता है। तो ये तो ह्यूमन आई, तो ये पूरा डायग्राम याद रखना, क्योंकि अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद लिखना है। आप डायरेक्टली लिखोगे तो उसका विदाउट डायग्राम लिखोगे तो उसके मार्क्स बहुत कम आएंगे, तो डायग्राम तो आपको हमेशा याद होना ही चाहिए, ठीक। तो ये जो पूरा डायग्राम है, फिगर है, उसके हर एक पोर्शन है, हर एक वर्ड, तो उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो ह्यूमन आई इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। तो ह्यूमन आई मोस्ट वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि अगर आई नहीं होती तो हम कुछ देख ही नहीं पाते। और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, तो हमारी आईज बहुत सेंसिटिव, अगर हमारे आईज में थोड़ा भी कचरा भी जाता है या कुछ भी जाता है तो वो बहुत जल्दी सेंस कर लेती है, ठीक है। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस, ठीक है। तो आईज से ही हम पूरा जो वर्ल्ड देख पाते हैं और जो कलर्स है वो भी हम देख पाते हैं, ठीक है। ऑन क्लोजिंग द आईज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय द स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच, ठीक है। तो बेसिकली हमारी फाइव सेंसेस है, ठीक है। एक स्मेल, फर्स्ट विजन, स्मेल, साउंड, टच और टेस्ट, ठीक है। तो फाइव सेंसेस से हम पूरे वर्ल्ड को सेंस करते हैं। तो विजन यानी कि देखना, स्मेल यानी कि जो नोज से स्मेल करता है वो, साउंड यानी कि हियरिंग, टच यानी कि जो फिजिकल टच होता है वो, और टेस्ट यानी कि टंग से जो, ठीक है। तो अगर हमारी आईज ना होती, विजन ना होती, तो कोई ऑब्जेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना होता तो स्मेल, साउंड, टच और टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। इट इज हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग द आईज, अगर हमने आईज क्लोज कर दिया तो उसके कलर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप एक बार आईज क्लोज करके किसी ऑब्जेक्ट को टच करके देखना, टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड, तो आप उसके कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, उसका शेप कर पाओगे लेकिन कलर्स नहीं कर पाओगे। दस ऑफ ऑल दिस सेंस ऑर्गन्स द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। तो जो ह्यूमन आई है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट वन है, ठीक। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, ठीक है। तो जो हमारा जो कैमरा है, ये जो है मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा वीडियो, तो उसी तरह से हमारा आई भी एक कैमरा ही है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड अ रेटिना। तो रेटिना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट्स लेंस सिस्टम, तो ये पूरा जो लेंस का सिस्टम है वो इमेज फॉर्म करता है। यहाँ पे सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके लेंस पे जाएंगे रेस, उसके बाद वो पूरा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जो आइस की है उसको कहते हैं रेटिना, तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, ठीक है। तो ये जो बाहर जो कॉर्निया है वहाँ से लाइट एंटर होती है, सबसे बाहर का पोर्शन है वो थिन मेम्ब्रेन है कॉर्निया, तो वहाँ से लाइट एंटर होती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ग ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर। तो ये जो आई बॉल है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पीरिकल इन शेप एंड विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई बॉल है उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेस एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया। तो जो कॉर्निया का जो आउटर सर्फेस है उस पर मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन यानी कि जो लाइट का जो स्ट्रेट पाथ में जा रहे हो तो उसका बैंड हो जाना, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन एक आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया में होता है। द क्रिस्टलाइन लेंस मेरली प्रोवाइड्स अ फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना।
तो जो बेसिकली ये लेंस है उसका वर्क क्या है, ठीक है, फाइनर एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट किस तरह से होता है, ठीक है, तो ये लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम करती है बढ़ाती है, ठीक है, तो ये लेंस है उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे होगी कम होगी, अगर थिन लेंस है उसकी फोकल लेंथ दूर होगी। तो इस तरह से क्या करता है, फोकल लेंथ चेंज करता है एडजस्ट, ठीक है, तो उसको कहते हैं फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। तो फोकल लेंथ चेंज होती है F1 F2, तो इस तरह से फोकल लेंथ चेंज होते हैं, उस तरह से ऑब्जेक्ट पर्टिक उसका जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म हो उस तरह से करते हैं फोकल लेंथ एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। तो पर्पस क्या है कि फोकल लेंथ चेंज करना है, ताकि जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म हो। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो एक स्ट्रक्चर है इरिस, तो ये कॉर्निया के बिहाइंड में, आउटर कॉर्निया उसके बाद है इरिस, वो बिहाइंड द कॉर्निया है। इरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो जो कितनी लाइट एंटर होती है तो वो प्यूपिल्स कंट्रोल करते हैं। जैसे हम कभी ब्राइट लाइट में जाते हैं, फिर जाते हैं जहाँ पे डल लाइट है, तो उसका कंट्रोल पीपल्स करती है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ एन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो जो आई लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज आती है वो रेटिना पे फॉर्म करती है, ठीक है। तो वो जो इमेज होती है, जो सपोज ऑब्जेक्ट इस तरह से, तो उसकी इमेज फॉर्म होगी तो वो उल्टी होगी, ए बी है तो उल्टी होगी, बी डैश ए डैश, इन्वर्टेड इमेज कहते हैं इससे, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, बट हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे नेचर ने हमें इस तरह से दिया हुआ है कि वो जो इन्वर्टेड इमेज है तो बाद में ब्रेन में प्रोसेस होकर वो हमें स्ट्रेट ही दिखती है, ठीक। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। तो रेटिना है वो लाइट को सेंस करती है, उसके अलग अलग कलर्स को भी सेंस करती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो रेटिना के ऊपर जो लाइट छोटे छोटे सेल्स है, लाइट सेंसिटिव सेल्स, उसके ऊपर इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन यानी कि लाइटिंग, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी करंट वोल्टेज होता है, तो उस तरह से एकदम स्मॉल अमाउंट में जनरेट होता है, और जो ऑप्टिक नर्व है उसमें हो जाता है। दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व्स। हमने देखा था जो ऑप्टिक नर्व्स था यहाँ पे, तो उससे वो ब्रेन में जाता है, सेंड करते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस इज द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एट दे आर। तो ये सिग्नल्स है, तो यहाँ से जो आ गया सिग्नल वो यहाँ से जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। तो जो इन्वर्टेड है तो वो हमें, हम देखते हैं तो हमें कभी वर्ल्ड इन्वर्टेड नहीं दिखता, कोई भी हमें स्टेट ही दिखता है। तो उसका रीजन है कि ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, इस वजह से, ठीक। तो ये ह्यूमन आई का कंप्लीट फंक्शन आ गया। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर ऑफ अकोमोडेशन उसके ऊपर स्टडी करें।